आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व के ऊपर। तो जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और मध्य प्रदेश भारत का एक प्रमुख राज्य है, हृदय राज्य जिसको कहते हैं। इसे अगर कृषि की भाषा में देखेंगे तो इसे सोया राज्य भी कहते हैं। सोया राज्य इसलिए क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है। इस बात को समझने के लिए हम इस साल की जो गेहूं के क्षेत्र में जो उपलब्धि हुई इस पर एक चर्चा करेंगे। जैसे आपने बहुत पेपर में मैगजीन्स में देखा होगा कि इस वर्ष गेहूं का उपार्जन मध्य प्रदेश में बहुत अधिक हुआ है और इस पर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस बात को बड़े बहुत अच्छे तरीके से प्रचारित किया है कि मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब तक मतलब इस साल जो है मध्य प्रदेश अपने आप में सबसे अधिक गेहूं उपार्जन करने वाला राज्य बन गया है। यानी MP is such a state which has procured maximum wheat this year। और पूरे देश में जितना गेहूं का उपार्जन हुआ है, जितना गेहूं प्रोक्योर किया गया है, उसका एक तिहाई केवल मध्य प्रदेश में उपार्जित हुआ है। तो इस बात से अपने आप में मध्य प्रदेश की जो कृषि अर्थव्यवस्था, जो कृषि की जो काज की जो महत्ता है वो स्वतः स्पष्ट हो जाती है। अगर पिछले सालों से तुलना करेंगे तो पिछले साल की तुलना में इस वर्ष गेहूं का उपार्जन में 74% की वृद्धि हुई है, 74% ग्रोथ इन प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट। तो ये बात भी बहुत उल्लेखनीय है। अगर उपार्जन केंद्रों की बात करें यानी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स की बात करें तो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स जो हैं वो बड़ी संख्या में प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बनाए गए इस साल मध्य प्रदेश में और लगभग 4,500 प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाए गए जहां पर किसानों से गेहूं की खरीदी की गई। जबकि पिछले साल यही प्रोक्योरमेंट सेंटर जो है वो 3,500 थे। इसी तरह से लगभग 2500 से अधिक गोडाउंस बनाए गए जहां पर गेहूं को सुरक्षित रखा गया। 2500 से भी ज्यादा गोडाउंस बनाए गए जहां पर जो गेहूं जो उपार्जित की गई उसे सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। अच्छा, इसमें एक बदलाव ये भी आया है कि इस वर्ष यानी कि वर्ष 2020 में यानी कि जो इस साल जो गेहूं का उपार्जन हुआ मार्च अप्रैल मई के महीने में, तो उसमें एक चेंज देखने को ये मिला। जो छोटे किसान थे और जो मार्जिनल यानी जो सीमांत किसान थे, जिनके पास बहुत कम भूमि होती है या जो छोटे किसान थे जिनके पास भूमि का जो एरिया होता है बहुत छोटा होता है, उन लोगों से जो गेहूं का उपार्जन हुआ है वो पिछले सालों की तुलना में दोगुना हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इन छोटे किसानों के जेब में पैसा थोड़ा ज्यादा पहुंचा, तो इसका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से हम इस बात को देख रहे हैं। अगर और थोड़ी बात देखें तो इस वर्ष जो गेहूं का उपार्जन किया गया है इसमें 1.29 करोड़ मैट्रिक टन 1.29 करोड़ मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। 1.29 करोड़ मैट्रिक टन द व्हीट इज प्रोक्योर्ड। और इस तरह से लगभग 16 लाख किसानों ने 16 लाख फार्मर्स 4500 से अधिक प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पर ये गेहूं का उन्होंने अपना गेहूं उन्होंने बेचा। 4500 सेंटर्स पर उन्होंने अपना गेहूं बेचा और ये काम जो हुआ है केवल 50 दिनों में हुआ है, ओनली इन 50 डेज 50 दिनों में हुआ है। और इस प्रोसेस में लगभग 2400 करोड़ राशि का भुगतान किसानों को किया गया है। 24,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किसानों को किया गया। तो अब इस घटना से यानी ये जो बात अभी आपको बताई गई कि इतने बड़े पैमाने पर गेहूं का उपार्जन हुआ,
किसानों ने उसमें भागीदारी की, 4500 केंद्रों पर गेहूं का उपार्जन किया गया। इस प्रोसेस में 16 लाख किसानों ने भागीदारी की और उन 16 लाख किसानों ने जो मध्य प्रदेश सरकार के मंडियों के माध्यम से जो अनाज या जो गेहूं उन्होंने सरकार को बेचा, इसके बदले में सरकार ने उनके फंड में उनके जो खाता है उसमें 24,000 करोड़ राशि का हस्तांतरण किया। इस बात से मध्य प्रदेश में जो अर्थव्यवस्था है, मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें स्वतः ही यह पता चल जाता है कि कितना अधिक हमारी निर्भरता कृषि पर है। तो कृषि के महत्व को समझने के लिए यहां पर हमने एक क्रॉप का जिक्र किया और वो गेहूं, और गेहूं के उत्पादन के मामले में आज मध्य प्रदेश जो है भारत का एक अग्रणी, एक लीडिंग स्टेट बन गया है, क्योंकि यही जो एग्रीकल्चर है वो धीरे धीरे इंडस्ट्री, ट्रेड, सरप्लस, बफर स्टॉक, इन सब जगहों पर ये इसका प्रभाव जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर इसे हम कुछ बिंदुओं में देखें तो आइए देखते हैं कि सबसे पहली बात तो जो हमारी कृषि है, यानी मध्य प्रदेश की जो कृषि है, अगर इसे हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को की रीढ़ की हड्डी, अगर बैकबोन कहें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, और वास्तविक तौर पर ये बैकबोन ही है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इन स्टेट जीडीपी इज प्लेइंग इन 2018-19 50.4%, यानी कि लगभग 50.4% का योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का आता है मध्य प्रदेश के। अब ये आंकड़े जो है थोड़े बदलते रहते हैं और प्रत्येक वर्ष इनमें बदलाव भी होता है, लेकिन यहां पर मैंने 2018-19 के आंकड़े के ऊपर बात की है जो लगभग 50% के आसपास है, यानी मध्य प्रदेश का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका लगभग 50% जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो बड़ी संख्या में लोग कृषि क्षेत्र में ही काम करते हैं, लगभग 65%, ऑलमोस्ट 65% पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर वर्क, यानी कृषि या कृषि से संबंधित कार्यों में ये जो है इन्वॉल्व है। अगर हम रूरल क्षेत्र की इनकम की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनसंख्या अगर देखेंगे तो 2011 का सेंसस का आंकड़ा अगर लिया जाए तो लगभग 72.40 पॉपुलेशन ऑफ एमपी इज रेसाइडिंग इन द रूरल एरिया। मध्य प्रदेश की लगभग 72% जनसंख्या जो है वो रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और 72% जनता जो गांव में निवास करती है उनका जो इनकम है, उनका अधिकतम जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से आता है। तो कुछ आंकड़ों में ये 60-75% तक बताया गया है, यानी मध्य प्रदेश के रूरल क्षेत्र में जो लोगों की जो आय है उसमें 60-75% जो आय है ये कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो यहां पर 3-4 बिंदु स्पष्ट हो गया, एम्प्लॉयमेंट, दूसरा इनकम, लोगों के आय जो है वो कहां से ज्यादा मिलती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलती है, लोग एम्प्लॉयड कहां होते ज्यादा तो एग्रीकल्चर में होते हैं 65%, जीडीपी में कहां किसका योगदान सबसे ज्यादा है, और भी सेक्टर्स का योगदान है, एग्रीकल्चर का है, इंडस्ट्री का है, सर्विस सेक्टर का है, लेकिन जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अभी भी एमपी में जीडीपी का है वो है जो एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो इसीलिए अगर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन, अगर रीढ़ की हड्डी कृषि को कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मध्य प्रदेश का जो एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है ये भी बहुत से दूसरे राज्यों से अपने आप में बहुत ज्यादा है, 2016-17 का जो ग्रोथ रेट है वो 20.4% का देखा गया है, 20.4% का ग्रोथ रेट 2016-17 में देखा गया। तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट अच्छा है,
हमारे जो रूरल इनकम है उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, हमारा जो जीडीपी है उसमें भी एग्रीकल्चर का बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो क्यों नहीं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहेंगे। इतना ही नहीं, और भी सेक्टर्स में और भी जगह जाके देखते हैं अपन कि आखिर जो हमारा भोजन है, मील है, हमारा जो खाना है, फूड है, वो कहां से आता है। तो मध्य प्रदेश भोजन के उत्पादन में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। पिछले कम से कम 5-6 सालों में मध्य प्रदेश की जो फूड ग्रेन है यानी भोजन वाली जो कृषि है उसमें जबरदस्त उछाल आया है, खूब प्रदर्शन अच्छा हुआ है उसमें। जैसे अगर 2017-18 का फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखते हैं तो 436.35 लाख मेट्रिक टन, 436.35 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन केवल और केवल 2017-18 में ये हुआ है। अगर अलग अलग क्रॉप्स के आधार पर देखें, डिफरेंट क्रॉप्स के आधार पर देखें तो उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। देखिए गेहूं का जो उत्पादन है 2017-18 का 189 लाख मेट्रिक टन का है, 189 लाख मेट्रिक टन का। अगर चावल का उत्पादन देखेंगे तो 73 लाख मेट्रिक टन का है 2017-18 का। मक्के का उत्पादन देखेंगे तो 47 लाख मेट्रिक टन का है। अगर ग्राम यानी कि चने का उत्पादन देखेंगे तो 53.85 लाख मेट्रिक टन का है। दालों के उत्पादन में अरहर का उत्पादन देखते हैं तो 8.39 लाख मेट्रिक टन का है। सोयाबीन, पहले शुरू में ही हमने बोला कि मध्य प्रदेश जो है उस सोयाबीन के उत्पादन के कारण और जिस तरह से पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ा है और पिछले कुछ सालों में कम भी हुआ है क्योंकि दूसरे राज्यों में भी सोयाबीन अब उत्पादित होने लगा है, तो सोयाबीन का उत्पादन जिस ढंग से मध्य प्रदेश में होता है इसे सोया राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि जो टोटल जो सोयाबीन का उत्पादन पूरे देश में हो रहा है उसमें से अकेले 51% जो उत्पादन है ये मध्य प्रदेश से हो रहा है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन जो है ये 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 53.21 लाख मेट्रिक टन का पाया गया है, 53.21 लाख मेट्रिक टन का। इसी तरह से सरसों, मस्टर्ड 9.76 लाख मेट्रिक टन मस्टर्ड, जो सुगर केन है, गन्ना का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में काफी होता है 4.53 लाख मेट्रिक टन। कपास का उत्पादन जो है ये भी काफी अच्छा है 28.59 लाख बेल, यहाँ पर एक बेल जो है 170 किलोग्राम का होता है। इसी तरह से मध्य प्रदेश की दो खासियत भी है, एक अलग जो बाकी राज्यों में नहीं मिलेगा, एक तो अफीम का उत्पादन होता है ओपियम का, मंदसौर जिले में, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में ओपियम का उत्पादन होता है। दूसरा गांजा, हेम्प, गांजे का उत्पादन जो है ये मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में होता है, और ये दोनों ही ओपियम और हेम्प, खासकर ओपियम जो है ये मेडिसिन्स में इसका ज्यादातर उपयोग किया जाता है और कई जगहों पर ओपियम का जो उपयोग है वो किया जाता है। मंदसौर केवल एकमात्र जिला जहां पर ये उत्पादित होता है, और गांजा का उत्पादन जो है ये खंडवा जिले में होता है, और इससे बहुत तरह के अलग अलग किस्म के जो ड्रग्स होते हैं, जो मादक ड्रग्स होते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है, मेडिसिन्स में और अन्य क्षेत्रों में, तो वहां पर जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब ये जो एग्रीकल्चर जो इतना सारा जो हम उत्पादित करते हैं ये इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यही एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जहां एक तरफ हमारे भोजन का आधार बन जाता है, वहीं दूसरी तरफ जब एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर में जाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे, तो वहां भी इनकी जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए
अब अगर इससे आगे बढ़ते हैं कि भाई ठीक है, मध्य प्रदेश ने भोजन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है और इस तरह से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक आधार दिया है, लेकिन उद्योग में क्या योगदान है इसका? तो उद्योग में भी बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का एक पहलू उद्योग भी है। तो औद्योगिक जो उत्पादन है, अगर उसमें भी आप देखेंगे तो आप देखिए बहुत सारे जो उद्योग हैं हमारे राज्य में, बहुत सारे उद्योग इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस पर ही निर्भर करते हैं। अगर जैसे आप अगर कॉटन इंडस्ट्री को देखें, तो कॉटन इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए हमको? कॉटन का उत्पादन चाहिए, तो मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है, बाहर से लाने की आया बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं किसी दूसरे राज्य से। तो मध्य प्रदेश में जो कॉटन का उत्पादन हुआ, उससे कॉटन जो है उससे कपड़े बनाने के कारखाने लगाए जा सकते हैं। और मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर, खासकर इंदौर में, ग्वालियर में, देवास में, इसके बहुत सारे उद्योग लगाए गए हैं। तो ये जो हमारी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल जो है हमारे राज्य में ही उपलब्ध हो गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हमें कच्चा माल कहीं बाहर से नहीं मंगाना पड़ा। और इसका फायदा दो तरफा लाभ होता है। एक तरफ इंडस्ट्री जो है मध्य प्रदेश में अट्रैक्ट होती है कि भाई मुझे तो कच्चा माल बाहर से लाना नहीं पड़ेगा, तो मध्य प्रदेश के जो किसान है वो मुझे कच्चा माल उपलब्ध करा देंगे, और इंडस्ट्री लगाने के लिए वो प्रेरित होते हैं। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं और किसानों का जो माल है वो आसानी से राज्य के भीतर ही बिक जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा बढ़ने वाला है वो भी कम हो जाता है। तो इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में भी बेहतरी होती है, उनमें सुधार होता है। तो ये एक पहलू जो है इंडस्ट्री में काम आता है। सोयाबीन, सोयाबीन तो स्पेशलिटी है मध्य प्रदेश की, जिसका मैंने पहले जिक्र किया आपको कि सोयाबीन जो है, अब सोयाबीन से रिलेटेड बहुत सारे उद्योग हैं मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, इंदौर में, देवास में, और भी कई जगहों में जो है आजकल सोयाबीन के इंडस्ट्रीज लगाए गए। क्या क्या इंडस्ट्री है? तो देखिए, सोया मिल्क बनाते हैं, सोया प्रोटीन्स बनाते हैं, इसके अलावा सोया फ्लोर, सोयाबीन से फ्लोर यानी आटा बनाते हैं, इसके अलावा सोयाबीन से वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं, और ये सारे इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में लगाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल भी हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल जाता है। अगर मैं बासमती राइस की बात करूं, क्योंकि आजकल मध्य प्रदेश में बासमती राइस का उत्पादन भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसका बासमती राइस जो है भारत से निर्यात भी किया जाता है। तो बासमती राइस के निर्यात में मध्य प्रदेश का कॉन्ट्रीब्यूशन है, मध्य प्रदेश का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से विदेशी मुद्रा को अर्जित करने में भी मध्य प्रदेश की कृषि का योगदान मान सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे राज्य की जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में भी बहुत योगदान है हमारे मध्य प्रदेश का। जैसे अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो है इसमें देखिए फ्रूट प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन में जो है मध्य प्रदेश जो है 59.17 लाख मेट्रिक टन फ्रूट को प्रोड्यूस करता है, यानी सब मिला के, यानी कि आम, जामुन, कटहल और आपका ये ग्वाभा, ऐसे तमाम तरह के फ्रूटों को, अगर संतरा, संतरा का भी काफी उत्पादन एमपी में होता है, 59.17 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन होता है। अब ये फ्रूट का उत्पादन होता है तो इसका क्या फायदा होता है इंडस्ट्री में, क्योंकि भाई ऑरेंज है, संतरा का उत्पादन किया आपने, तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको मोटिवेशन मिलता है। तो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने को मोटिवेशन मिलता है। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में, मध्य प्रदेश के मंडीदीप में, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में, इंदौर में, ग्वालियर में, और भी कई विभिन्न जिलों में आप देखेंगे तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इतनी बड़ी मात्रा में फ्रूट का प्रोडक्शन हो रहा है कि उस फ्रूट को जहां एक तरफ लोग, जो जनता है मध्य प्रदेश की, वो भी खाती है, और जो उत्पादन बढ़ता है, जब ज्यादा होता है तो उससे इंडस्ट्रीज को भी सप्लाई होता है, तो इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिला, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री अगर ज्यादा यहां पर होंगे तो एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिला और हमारे जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन हुआ। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो हमारे जीडीपी यानी मध्य प्रदेश के जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए, हॉर्टिकल्चर जो है
हॉर्टिकल्चर, उस हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश जो है पूरे देश में चौथे स्थान पर आता है, फोर्थ रैंक इन इंडिया इन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर में हमारे फल और सब्जियां ये सभी चीजें आ जाती हैं। तो ये जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन है ये भी मध्य प्रदेश में काफी बड़े पैमाने पर होता है, और खासकर ये जो एरोमेटिक एंड मेडिकल प्लांट्स होते हैं जिनका उपयोग दवाइयां बनाने में किया जाता है उनका प्रोडक्शन भी मध्य प्रदेश में होता है। तो जड़ी बूटी से दवाइयां बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज है उसको भी मध्य प्रदेश में मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से एक मध्य प्रदेश में अलग अलग किस्म के उद्योगों को लगाने का जो है यहां पर मौका मिलता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन गाभा, गाभा के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है, यानी पूरे भारत में जो गाभा का यानी जो अमरुद का उत्पादन होता है उस अमरुद का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। और इस तरह से ये जो मध्य प्रदेश है बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे आम के आम जो है, ग्वाभा जो है, और भी कई ऐसे फ्रूट हैं उन सब का उपयोग जो है मध्य प्रदेश में किया जाता है। और मध्य प्रदेश में जब इनका उपयोग किया जाता है और उससे विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद बनाए जाते हैं इसका जो है एक व्यापार बढ़ता है। तो इस व्यापार को बढ़ाने में, ट्रेड को बढ़ाने में भी हमारी जो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, यानी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उनकी भूमिका है। आगे देखते हैं कि फूड इंडस्ट्रीज की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है। तो देखिए फूड इंडस्ट्री जो है, फूड इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि ऐसे उद्योग जिन उद्योगों में कृषि उत्पादों का उपयोग करते हैं। कृषि उत्पादों का उपयोग कैसे हुआ, जैसे चना का उपयोग किया और सत्तू बना लिया, गेहूं का उपयोग किया और बिस्कुट बना लिया, जैसे मान लीजिए टोमेटो का उपयोग किया और उससे हमने जो है टोमेटो सॉस बना लिया, हमने फ्रूट का संतरे का उपयोग किया और हमने संतरे की जूस बना ली। ऐसे तमाम तरह की इंडस्ट्री जो ग्रेन्स यानी अनाजों से संबंधित भी हो सकती है, जैसे आटे की इंडस्ट्री है ना, जैसे जो है चावल की इंडस्ट्री, भाई चावल धान जो है धान से भूसा निकाल करके उसको प्रॉपर पॉलिश्ड करके उसको पैक्ड करके और फिर उसको जगह जगह भेजना, ये भी अपने आप में बड़ी इंडस्ट्री है। तो एक इंडस्ट्री जो है वो कई तरह की इंडस्ट्री से जुड़ जाती है। तो यहाँ जो फूड इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 812 फूड इंडस्ट्री का आंकड़ा देखा गया है। और ये जो है जो मध्य प्रदेश में जितनी टोटल इंडस्ट्रीज है उनका एक चौथाई है, यानी मध्य प्रदेश में फूड इंडस्ट्री जो है ये बड़ी संख्या में, मध्य प्रदेश में जितने इंडस्ट्री हैं उनका एक चौथाई जो है कहीं ना कहीं फूड इंडस्ट्री से संबंधित है, यानी कि ऐसी चीजें बनाते हैं जो एग्रीकल्चर पर आधारित है। अगर आप श्रम को देखेंगे, लेबर को, तो देखिए फूड इंडस्ट्री में ही मध्य प्रदेश के 18% लेबर इन्वॉल्व है, यानी 100 में से 18 लोगों को फूड इंडस्ट्री में रोजगार प्राप्त होता है। अगर इनकम को देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो टोटल इनकम है, इनकम फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री, इट इज 30% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल इनकम। मध्य प्रदेश में जो टोटल इंडस्ट्रियल इनकम है उसका 30% जो है वो किससे मिल रहा है, हमको फूड इंडस्ट्री से मिल रहा है। तो फूड इंडस्ट्री जो है वो कितना महत्वपूर्ण हो गया अर्थव्यवस्था के लिए, वही रोजगार भी दे रहा है, फिर इनकम भी हो रही है सरकार को। इसके अलावा जो है 812 इंडस्ट्रीज हैं तो उन इंडस्ट्री से जो संबंधित एलाइड इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारे उससे संबंधित इंडस्ट्री हैं, लॉजिस्टिक भी है यानी उससे जो है बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, कम्युनिकेशन का काम होता है, वहां आसपास जो है एक शहर का विकास होता है। तो एक इंडस्ट्री के लगने से वहां आसपास के क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार और व्यवसाय मिल जाता है। तो इकोनॉमी के लिए एक आधार का काम करता है वो इंडस्ट्री, और वो इंडस्ट्री के लिए आधार कौन बन जाता है, एग्रीकल्चर। अगर हमें चावल का उद्योग लगाना है तो हमें राइस चाहिए, अगर हमें चीनी उद्योग लगाना है, शक्कर का उद्योग लगाना है तो हमें शुगर केन चाहिए, अगर हमें पेपर इंडस्ट्री लगाना है, जैसे मध्य प्रदेश में पेपर इंडस्ट्री है अमलाई में है, शहडोल में, मध्य प्रदेश के नेपानगर
है ना, नेपानगर जो कि बुरहानपुर में है। तो इन सब जगहों पर जो इंडस्ट्री हमने लगाया तो कच्चा माल की उपलब्धता को देख के ही लगाया, और ये कच्चा माल मध्य प्रदेश में उपलब्ध है इसीलिए ये इंडस्ट्री विकसित हो गए। अब इन इंडस्ट्री इस एग्रीकल्चर से और भी कुछ चीजें जुड़ी हुई है, जैसे डेयरी, डेयरी जो प्रोडक्शन है वो भी एग्रीकल्चर से संबंधित ही एक उद्योग है। इसके अलावा डेयरी के अलावा आप देखेंगे पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग जो है जिसमें जो है मुर्गी पालन वगैरह किया जाता है, इसके अलावा जो है एनिमल हस्बेंड्री है, ये सब कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और मध्य प्रदेश इन सेक्टर्स में भी बहुत आगे है। जैसे यहाँ देखिए पोल्ट्री फार्मिंग में जो है मध्य प्रदेश में एक स्पेशल यहाँ पर मुर्गी पाई जाती है जिसका नाम है कड़कनाथ, जो कि झाबुआ अलीराजपुर इन सब क्षेत्रों में मिलती है, और ये स्पेशलिटी है एमपी की। इसे जीआई टैग भी मिला है, ज्योग्राफिकल जो आइडेंटिफिकेशन है वो इसको मिल चुका है, और इस कारण से ये जो है देश विदेश में निर्यात किया जाता है, इससे भी हमको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। राज्य के लोगों को ये जो कड़कनाथ है ये जो है चिकन की आपूर्ति होती है, और इससे भी बहुत सारा जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े काम। फिर देखिए आप हमारे राज्य में दो तीन ऐसे विशेष प्रकार की गायें होती हैं जो दुग्ध उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, जैसे मालवी गाय। मालवी गाय मतलब मालवा क्षेत्र में ये स्पेशलिटी है, और वो गाय जो है प्रचुर मात्रा में दूध देती है। निमारी गाय जो निमार क्षेत्र में यानी खंडवा और खरगोन के एरिया में पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में, और वो भी एक बहुत अच्छी गाय मानी जाती है और अच्छे किस्म की दूध का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो बेस के रूप में काम करता है इंडस्ट्री के लिए भी, और बाकी उससे जो एलाइड सर्विसेज है उनके लिए भी, चाहे रोजगार देना हो, चाहे वो लोगों की इनकम बढ़ानी हो, चाहे किसानों की आय बढ़ानी हो, चाहे वो किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करनी हो, अल्टीमेटली एग्रीकल्चर के ऊपर ही हमें जाना पड़ता है। और चूंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे इकोनॉमिक जो फेनोमेना होती हैं, आर्थिक जो परिघटनाएं होती हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसे कैसे समझेंगे, उदाहरण के लिए आप देखिए कि मध्य प्रदेश में अगर 62 से 64% लोग कृषि से संबंधित हैं, यानी 100 में से 62 लोग। अब अगर कोई भी इंडस्ट्री आप लगाते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगाएं, चाहे आप टीवी या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लगाएं, चाहे आप कंप्यूटर या अन्य किसी सेक्टर्स की इंडस्ट्री लगाएं, या कोई भी जूते चप्पल कपड़े, तो इन सब चीजों को खरीदने वाले बहुसंख्यक लोग कौन है, जो इस एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। तो जब एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी, जब एग्रीकल्चर बेस्ड जो लोग हैं जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, मैंने बताया आपको 72% से भी ज्यादा लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं, अगर इन लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई अन्य सेक्टर जो है वो मध्य प्रदेश में तरक्की कर पाएगा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उस पर पूरा ध्यान दिया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर उनकी परचेजिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो आप कपड़े भी बेच पाएंगे, आप गोल्ड भी बेच पाएंगे, आप चांदी भी बेच पाएंगे, आप कपड़े भी बेच पाएंगे, विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं प्रोडक्ट हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और अन्य सेक्टर से रिलेटेड उन्हें भी बेच पाएंगे। तो एग्रीकल्चर जो है ये इकोनॉमी का बेस बन गया, और उस बेस के आधार पर फिर बाकी इंडस्ट्री की तरक्की निर्धारित हो जाती है। तो इसीलिए हम बार बार ये चीज आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के जो बाकी मध्य प्रदेश में चलने वाले जो बाकी उद्योग हैं उन उद्योगों की भी निर्भरता कृषि पर बढ़ जाती है। और आगे देखते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं कि भाई पूंजी का निर्माण, तो पूंजी का निर्माण इसलिए हो पाता है क्योंकि ये जो किसान हैं ये गेहूं का उत्पादन करते हैं, चावल का उत्पादन करते हैं, अफीम का उत्पादन करते हैं या गन्ने का उत्पादन करते हैं, और उनको जब वो बाजार में बेचते हैं उनके पास पूंजी आती है, कैपिटल आती है, और कैपिटल इस तरह से आती है कि उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और उनको उनका जो उनको जो दिया जाने वाला कॉस्ट है यानी सरकार द्वारा जो उनको इशू प्राइस जो उनको
दी जाती है उसके बीच एक अंतर रखा जाता है, जिससे उन्होंने जो खर्च किया उससे ज्यादा उनकी आमदनी हो जाए, और इस तरीके से उनके पास एक कैपिटल, एक पूंजी का निर्माण हो जाता है, और इससे उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इस परचेजिंग कैपेसिटी का उपयोग ये जो हमारे राज्य के जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं उसे एजुकेशन में खर्च करते हैं, हेल्थ सेक्टर में खर्च करते हैं, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में खर्च करते हैं, कॉटन इंडस्ट्री में खर्च करते हैं, तो बाकी सेक्टर्स को भी उससे लाभ मिलता है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर का, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया आपको, जब एग्रीकल्चर का बंपर उत्पादन होता है, ज्यादा उत्पादन होता है, हम उनसे अनाज को जो है संग्रहित कर लेते हैं, उसको वेयर हाउसेस में या गोडाउंस में उसको सुरक्षित रख लेते हैं, तो ये भी एक आधार का काम करता है अर्थव्यवस्था के लिए। तो कभी भी संकट के समय में, बाढ़ या प्राकृतिक आपदा या किसी भी प्रकार की आपदा के समय में, ये एक बफर स्टॉक के निर्माण में मदद करता है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का जो ट्रेड है, जो मध्य प्रदेश का व्यापार है, वो भी कृषि आधारित है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है, कोई चीज सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, और कृषि, चूंकि मध्य प्रदेश में बहुसंख्यक लोग तो गांव में रहते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस पर निर्भर करेगा? एग्रीकल्चर पर निर्भर करेगा। जो कॉटन इंडस्ट्री है वो किस पर निर्भर करेगा? एग्रीकल्चर पर निर्भर करेगा। जो हमारा पेपर इंडस्ट्री किस पर निर्भर करेगा? एग्रीकल्चर पर निर्भर करेगा। सोयाबीन के जो बहुत सारे उद्योग हैं, जो सोया से संबंधित बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सब कहीं ना कहीं जब उत्पादित करते हैं फिर उसे बेचते हैं, बेचने के लिए रिटेलर्स के पास जाते हैं, तो छोटे छोटे पहले होलसेलर फिर रिटेलर, तो जो रिटेलर के पास जाते हैं, जो छोटे छोटे शहरों में, गांव में, मॉल्स में, जगह जगह वो दुकान लगा के बैठे हैं, और वो लोग भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये जो जीवन यापन का आधार कहां से मिला उनको? एग्रीकल्चर से मिला, क्योंकि एग्रीकल्चर, सोयाबीन का उत्पादन हुआ, उसको इंडस्ट्री में प्रोसेस किया गया, उस इंडस्ट्री से संबंधित जो लोगों को रोजगार मिला, काम का, अलग अलग तरह के लोगों के काम मिले, कुछ लोगों को रिसर्च का काम मिला, कुछ लोगों को प्रोसेस करने का काम मिला, कुछ लोगों को उस सामान को जो प्रोड्यूस हुआ उसको दूसरी जगह ले जाने का काम मिला, और कुछ लोगों को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए रिटेलर का काम मिला। तो देखिए इतने सारे लोगों को एक प्रोडक्ट ने, एक सोयाबीन ने इतने सारे लोगों को काम दे दिया। ऐसे ही गेहूं, ऐसे ही चावल, ऐसे ही मस्टर्ड, अब मस्टर्ड है, सोयाबीन है, और भी चीजें हैं, ये तेल उत्पादन के लिए काम करते हैं। जो हमारे ग्राम है, चना है, तुअर है, ये दाल इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। तो तमाम जो हमारे उद्योग हैं, उन उद्योगों के लिए और उन उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिए, और उन उद्योगों में काम करने के बाद जो चीजें प्रोड्यूस हुई, उन प्रोड्यूस चीजों को बेचने वाले लोगों को रोजगार का एक आधार यहां से निकल के आता है। तो ट्रेड जो है वो ट्रेड तभी बेहतर ढंग से चल पाएगा भारत में, ट्रेड तभी चल पाएगा मध्य प्रदेश में खासकर, जब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर सही ढंग से काम कर रहा है, और अलग अलग तरह के ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग तरह के व्यापार हो रहे हैं। कुछ ट्रेड हम राज्य के अंदर ही करते हैं, और कुछ ट्रेड जो है हम राज्य के बाहर भी करते हैं। जो चीज हमारे पास ज्यादा है, गेहूं ज्यादा है, हम दूसरे राज्यों को भेजते हैं, हमारे पास गावा अमरूद ज्यादा है, हम दूसरे राज्यों को भेजते हैं, अगर हमारे पास कोई आम की वेराइटी अच्छी है, हम दूसरे राज्य को भेजते हैं, अगर हमारे पास सरसों तेल का उत्पादन या सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा है, दूसरे राज्य को, तो अंतरराज्यीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है इससे। तो एग्रीकल्चर का ये महत्व जो है यहां पर समझ में आता है। एक और बात, अगर एग्रीकल्चर किसी वर्ष डाउन हुआ, यानी कृषि उत्पादन कम हुआ, इसके बहुत सारे इंपैक्ट आएंगे। क्या इंपैक्ट आएंगे? अगर कृषि का उत्पादन कम हुआ, गेहूं का, चावल का, चना का, दालों का, तो क्या होगा? मार्केट में उसकी उपलब्धता कम होगी। मार्केट में उपलब्धता अगर कम हुई तो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो इसका दूसरा इंपैक्ट क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन पे, यानी मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। यानी मुद्रास्फीति अगर नियंत्रित रहे तो इसके लिए भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जरूरी है। तो इसीलिए फिर हम एक बार कहेंगे कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, और केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित है, क्योंकि अगर वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट सारे देश के लोगों पर पड़ता है।
कर्मचारियों के वेतन पर पड़ता है, मजदूरों के वेज पर पड़ता है, और कुल मिलाकर के सरकार को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव लाना पड़ता है, अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव लाना पड़ता है, रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति CRR SLR में बदलाव लाना पड़ जाता है। तो अगर हमने कृषि को संभाल के रखा, एग्रीकल्चर को अगर हमने प्रोटेक्ट किया और बेहतर बनाया, तो इसके बहुत सारे लाभ हमें मिल सकते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य में ट्रेड को बेहतर करने के लिए, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री को चलाने के लिए, मध्य प्रदेश में लोगों को रोजगार देने के लिए, मध्य प्रदेश में विविधतापूर्ण कार्यों को करने के, विविधतापूर्ण से मतलब क्या है, एजुकेशन, शिक्षा। अब कृषि भी अपने आप में एक शिक्षा का क्षेत्र है, एग्रीकल्चर। अगर हम लोगों को कृषि क्षेत्र में पढ़ाना चाहते हैं, उनको रोजगार देना चाहते हैं, तो ये भी एक बड़ा काम हो जाएगा। अनुसंधान के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में बहुत सारे हमारे राज्य में अनुसंधान के केंद्र हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण काम है। यानी कृषि अपने आप में बहुत सारे काम का एक आधार बन जाता है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। और आजकल तो इससे रिलेटेड बहुत से काम डेवलप हो रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश जो है, ये अपने आप में ऑर्गेनिक कॉटन का बड़ा केंद्र है। ऑर्गेनिक कॉटन, एक तो BT कॉटन होता है, और मध्य प्रदेश का जो ऑर्गेनिक कॉटन है, इसकी डिमांड जो है विदेशों में होने लगी है। क्यों? क्योंकि ये कॉटन ट्रेडिशनली तरीके से उपजाया जाता है मध्य प्रदेश में। जैसे खंडवा और खरगोन जैसे जिले हैं, वहां पर ट्रेडिशनल तरीके से कॉटन का उत्पादन किया जाता है, जिसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स इत्यादि का कम प्रयोग होता है या नहीं के बराबर प्रयोग होता है, और ट्रेडिशनल सीड का प्रयोग होता है, उसमें जेनेटिक इंजीनियर वाले जो सीड होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वो जो कपास के जो रेशे होते हैं, उनकी डिमांड विदेशों में होने लगी है। इससे भी मध्य प्रदेश की जो कृषि अर्थव्यवस्था है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि इससे फॉरेन करेंसी मिल रही है, और राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था है, इसमें सुधार हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे राज्य की खासियत है, जो जैसे ओपियम है, ओपियम का भी मैंने बताया, ये भी अपने आप में मध्य प्रदेश की खासियत है, कि मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला मंदसौर है जहां ओपियम का उत्पादन होता है, और उसी मंदसौर के पास नजदीकी एक इंडस्ट्री है नीमच में, जहां पर ओपियम एंड एल्कलाइड इंडस्ट्री लगाया गया है, जिससे ओपियम से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो एक तरफ एग्रीकल्चर, ओपियम, और दूसरी तरफ उद्योग, और वो जो उद्योग है वो दूसरे बहुत सारे उद्योगों का आधार बन गया। दूसरे बहुत सारे उद्योग जैसे मेडिसिन इंडस्ट्री का आधार बन गया, यानी दवाइयां बनाने में जहां जहां ओपियम की जरूरत होती है, वो वहां नीमच की जो इंडस्ट्री है उससे कॉन्टैक्ट करते हैं। इससे मध्य प्रदेश के GDP में बढ़ोतरी होती है, और अंतरराज्यीय व्यापार भी बढ़ता है, और मध्य प्रदेश का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नाम बढ़ता है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में देखेंगे आप जो ये एग्रीकल्चर का महत्व तो बढ़ जाता है। सीड्स आजकल जो है, बीजों का नए नए किस्म के बीज बनाए जाते हैं, नए नए किस्म के बीज। तो टिश्यू कल्चर इंडस्ट्री, ये एग्रीकल्चर से जुड़ा इंडस्ट्री है मध्य प्रदेश में, इसे भी विकसित करने की संभावना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो फर्टिलाइजर से रिलेटेड इंडस्ट्री है, यानी फर्टिलाइजर उत्पादित करना, क्योंकि किसान है, एग्रीकल्चर है, तो फर्टिलाइजर भी चाहिए, खाद भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, तो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री की डिमांड भी है, और इंडस्ट्री लगाई भी जा रही है, तो फिर एक रोजगार का अवसर हो गया। इसके अलावा हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, कृषि के क्षेत्र में आजकल टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा है, तो जैसे ट्रैक्टर बनाना हुआ, या वो फसल को काटने वाली मशीनें बनानी हुई, फसल में से अनाज को निकालने वाली मशीनें बनाई हुई, बहुत सारे हार्वेस्टिंग या टेक्नोलॉजी जो है उनकी भी संभावना मध्य प्रदेश में बढ़ जाती है। कोल्ड स्टोरेज चेन, वेयर हाउसेज चेन, ये सब संभावना क्यों है मध्य प्रदेश में? क्यों? क्योंकि यहां पर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, गेहूं का प्रोडक्शन है, चावल का प्रोडक्शन है, सोयाबीन का प्रोडक्शन है। तो ऐसे लोग, सच पीपल हु वांट टू गो इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, वो लोग इन क्षेत्रों में अपना उद्योग लगा करके और रोजगार भी हासिल कर सकते हैं, और दूसरों को, हजारों लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। सरकार इसके लिए मोटिवेशन भी दे रही है। इसके अलावा छोटे छोटे काम होते हैं। छोटे छोटे काम कैसे, कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई एग्री बिजनेस बोलते हैं उनको, जैसे फ्रूट है। अब फल जो है वो किस कैटेगरी का फ्रूट है उसकी ग्रेडिंग करना, या अनाज जो है किस कैटेगरी का अनाज है उसकी ग्रेडिंग करना, उत्तम, बेस्ट क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, लोअर क्वालिटी,
उसे कहाँ भेजना है, निर्यात करना है, राज्य के अंदर रखना है, राज्य दूसरे राज्य में भेजना है, इस सबसे भी प्रॉफिट आता है। राइपनिंग इंडस्ट्री, राइपनिंग इंडस्ट्री मतलब केला, आम, गावा, पपीता, ये सब राइपनिंग इंडस्ट्री की जरूरत पड़ती है। मतलब किस स्टेज में उस फ्रूट को तोड़ा जाए, उसे सही ढंग से पकाया जाए और पकने, सही ढंग से पकने के बाद उसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कंज्यूमर, और ये बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो ये भी एक पढ़ाई होती है, ये भी एक स्टडी होती है। तो ये सब जो क्षेत्र है, ये नए नए मार्केट जो है, नई नई क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर के कारण विकसित हो रहे हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के भीतर हमने देखा कि अलग अलग तरह के उद्योगों का विकास हो रहा है और वो सब जो जो इंडस्ट्रीज हैं, वो सब जो कार्य हैं, वो कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित हैं। लेकिन सरकार ने भी इस क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, किसानों के हित में बहुत सारे काम किए हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी डिस्प्यूट्स होते रहते हैं और इन डिस्प्यूट्स के कारण जो है मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या जो है इसके बारे में चर्चा होती रहती है। जैसे 2017 में जो है मंदसौर में किसानों का एक आंदोलन हुआ था। अब इसके पीछे के कारण जब जाएंगे तो इसमें कृषि से संबंधित विकास की एक समस्या है। अब देखिए इसके रीजंस में ये स्टडी में पाया गया कि मंदसौर के किसान जो थे उनको ये मोटिवेट किया गया कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है ऐसी फसलों का, जैसे पोटैटो का उत्पादन कीजिए, गार्लिक का उत्पादन कीजिए, मटर का उत्पादन कीजिए। किसानों ने किया और इतना ज्यादा उत्पादन हो गया और उन उत्पादन को जब वो बेचने के लिए गए तो उसे खरीदार नहीं मिला, उनको कीमत जितनी में उन्होंने उपजाया था उससे कम से कम कीमत में भी कोई खरीदने वाला नहीं मिला। इससे जो मंदसौर जिले के किसान थे वो भड़क गए, उसके आसपास के जिलों के किसान भी भड़क गए और पूरे मध्य प्रदेश में ये जो उनकी जो समस्या थी, क्योंकि बाकी किसान भी मध्य प्रदेश के लोगों को लगा कि अरे ये समस्या तो हमारे साथ भी होती है कि हम प्रोडक्शन तो खूब कर लेते हैं, हमें बताया जाता है कि आप ऐसे प्रोड्यूस कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली होता यह है कि जब उसकी कीमत मिलने की बारी आती है तो वो कीमत हमें नहीं मिल पाती है, जिसके कारण 2017 में जो है एक बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें 6 किसान जो है पुलिस फायरिंग में मारे भी गए। अभी तक जो डिस्क्रिप्शन हमने देखा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व के ऊपर, इससे एक बात स्पष्ट है कि चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में व्यापार हो, चाहे मध्य प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति हो, चाहे इन्फ्लेशन यानी मुद्रा स्फीति की बात हो, लगभग सभी जगहों पर एग्रीकल्चर के का जो प्रभाव है वो दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और किए भी गए हैं कि उनकी आमदनी बढ़े और उनकी कीमतें बढ़े। जो कमियां पिछले सालों में दिखाई पड़ी हैं, जैसा मैंने आपको मंदसौर का एक उदाहरण दिया, इससे पहले एक बार मुलताई का घटना भी हुई है किसानों से संबंधित, उसमें भी कुछ किसान जो है वो हताहत हुए थे। तो उन्हीं सब चीजों से सीख लेते हुए अब मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की सरकारें हैं, चाहे जो भी सरकार आती है, वो सब किसानों पर फोकस जरूर करते हैं, क्योंकि किसानों की आमदनी को बढ़ाए बिना मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि कई बार जो वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से कर्ज वगैरह लेते हैं उस पर सब्सिडी दी जाती है, उन्हें बैंकों से जो कर्ज दिया जाता है अगर वो उसे वापस करने की स्थिति में नहीं होते हैं तो उस कर्ज की माफी भी कर दी जाती है। ये सब प्रयास इसी दृष्टिकोण से किए गए हैं और इसमें कोई ये सोचने वाली बात नहीं है कि इसके कारण एनपीए बढ़ता है, क्योंकि उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने जो राज्य के लिए कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने जो देश के लिए कंट्रीब्यूट किया, उसके एवज में अगर थोड़ी सब्सिडी दे दी जाती है, अगर थोड़ा उनके कर्ज की माफी कर दी जाती है, तो ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है भोजन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के क्षेत्र में, भले ही वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वो उसकी उसको शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होगा। फिर भी सरकार समय समय पर कुछ काम करती रहती है, जैसे कि
अभी मध्य प्रदेश में जो है ऐसे बहुत सारे जो हॉर्टिकल्चर हब बनाने की कोशिश की जा रही है। हॉर्टिकल्चर हब का मतलब ये होता है कि ऐसे ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 8-10 गांव हैं और वहाँ पर जो है अलग अलग तरह के फ्रूट्स का उत्पादन होता है या सब्जियों का उत्पादन होता है, तो उन गांवों को मिला करके एक सेंटर बना दिया जाता है और उस सेंटर पर जो है उन सेंटर पर उन गाँव के लोगों को बोला जाता है कि भाई आप अपने फल या सब्जी या जो भी आपका उत्पाद है उसको लाइए, आपको प्रॉपर कीमत मिलेगी और उस सेंटर से वो पूरी व्यवस्था की जाती है कि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होता रहे। इसी तरह से ऐसे जो हब होते हैं उन जगहों पर थोड़ी टेक्निकल सपोर्ट भी किया जाता है उनको कि भाई अगर वो अगर आम का उत्पादन कर रहे हैं या गावा का उत्पादन कर रहे हैं, केले का उत्पादन कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट किया जाए, जैसे फलों को पकाने का क्या तरीका होगा, कैसे बेहतर ढंग से पकेगा, कैसे उसको फ्रीजिंग यानी उसको बेहतर ढंग से रखा जाएगा, ये सब उनको ट्रेनिंग दे करके उन्हें थोड़ा सा और बेहतर बनाया जाता है। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ती है और जो हमारे जो फल या अनाज वगैरह खराब होते हैं वो भी ठीक होता है। इसी दृष्टिकोण से फूड पार्क बनाए गए हैं कई जगहों पर जो PPP मॉडल पर आधारित है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल पर आधारित है, जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल हो गया, इसके अलावा हरदा हो गया, सारंगपुर जो कि राजगढ़ जिले में पड़ता है वहां पर ऐसे मेगा फूड पार्क बनाए गए हैं। जबलपुर के पास भी एक मेगा फूड पार्क बनाने की योजना है और ये सब जो फूड पार्क या मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि वहां पर जो उद्योग हैं वो वहां पर विकसित हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह विकसित हो। तो इससे जो है ये जो हमारे किसान हैं हमारे राज्य के जो चाहे वो फलों का उत्पादन करते हो, सब्जियों का उत्पादन करते हो, अनाजों का उत्पादन करते हो, तो वो उत्पादन भी करेंगे और उनको सही कीमतें भी मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे जो है मल्टी मॉडल कंपोजिट लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। मल्टी मॉडल कंपोजिट लॉजिस्टिक हब इसका क्या रहता है, इसका मकसद ये रहता है कि एक ऐसा क्षेत्र बना देना जहां से वस्तुओं का हम दूर दूर तक आसानी से भेज सकें। जैसे मान लीजिए एक होशंगाबाद में एक जगह है पवार खेरा, इटारसी स्टेशन के पास पड़ता है। अब वो पवार खेरा जो केंद्र है वो एक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जैसा भी है मध्य प्रदेश में, तो वहां पर एक हब बना दिया। अब जो वहां के आसपास के जो किसान हैं, चाहे वो गेहूं का उत्पादन करते हैं, सोयाबीन का उत्पादन करते हैं, फलों का उत्पादन करते हैं, सब्जियों का उत्पादन करते हैं, उस सेंटर पर अगर वो आता है तो उससे ट्रेन के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से या अन्य स्रोतों से उसे आसानी से भेजा जा सकता है। तो इससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है और जो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है तो उससे किसानों की को जो है प्रॉपर कीमतें मिलती हैं और इस तरह से किसानों को प्रॉपर कीमतें उपलब्ध कराने के लिए, उनके वस्तु जो उन्होंने उत्पादित किया उसको खराब होने से बचाने के लिए सरकार अलग अलग तरीकों से योजनाएं बनाकर नीतियां बनाकर किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का तो महत्व है ही, साथ ही साथ किसानों का महत्व भी परिलक्षित हो रहा है। वी हैव ऑलरेडी फाउंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन MP इकोनॉमी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फार्मर इन आवर सोसाइटी, क्योंकि अगर फार्मर्स नहीं होंगे, अगर किसान नहीं होंगे, अगर ये विभिन्न प्रकार के अनाज को उपजाने वाले लोग नहीं होंगे, अगर जो हमारे डेयरी उत्पाद हैं, जो हमारे जो दूध है, पनीर है और जो दूध से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, अगर उसका उत्पादन नहीं होगा, पोल्ट्री फार्मिंग नहीं होगी, अगर हमारी जो हॉर्टिकल्चर नहीं होगा, तो ये जो हमारी जो जिंदगी बेहतर है और हम प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो प्रचुर मात्रा में लोगों को मिल पा रहा है और बेहतर और सुखद जीवन लोगों का बना हुआ है, उसका जो आधार हमारे किसान हैं, उन किसानों की स्थिति को जो है बेहतर ढंग से हम समझेंगे, उनको प्रॉपर कीमतें उपलब्ध कराएंगे, ये जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है और ये हमारे राज्य की जनता की भी बनती है और अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें
तो देश की जनता की भी बनती है कि उन किसानों को जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत तत्व उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, या किसी अन्य प्रकार के पेपर इंडस्ट्री हो, सुगर केन इंडस्ट्री, चाहे उद्योग हो, मुद्रा स्फीति का मामला हो, या किसी भी अन्य तरह का जो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो हमारी जो व्यवस्था है उसमें आधार का काम हमारे जो है किसान करते हैं, इसीलिए उन्हें भी हम पूरा सम्मान दें और उनकी जो आय है उसको बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करें। धन्यवाद।